भारतीय फिल्म स्टार धर्मेंद्र का असली नाम दिलावर खान और हिमा मालिनी का असल नाम आयशा है। भारतीय जोड़े की मोहब्बत की इस कहानी का एक वाकया है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो ग्लोबल स्पीक्स आज की इस वीडियो में वही कहानी आपको सुनाने जा रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस और तस्वीर आपने देखी होंगी जिसमें मशहूर शख्सियात से मुतलक मालूमात फराहम की जाती हैं। इन मशहूर शख्सियात के बारे में लोग जानकर हैरान रह जाते हैं। मशहूर भारतीय अदाकार धर्मेंद्र और हिमा मालिनी बॉलीवुड के इन चंद जोड़ों में शामिल हैं कि जिनकी मोहब्बत की कहानी शादी के बंधन में आकर बन चुकी थी। लेकिन इस शादी के होने और एक साथ ज़िंदगी गुजारने के हवाले से इन दोनों को क्या कुछ करना पड़ा, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। माजी के मशहूर अदाकार एक दूसरे को बेहद चाहते थे मगर कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे थे जो कि इन दोनों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती थी। दरअसल धर्मेंद्र हिमा मालिनी से मिलने से पहले ही शादीशुदा थे। पहली बीवी से धर्मेंद्र के दो बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, लेकिन हिमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। दूसरी जानब हिमा मालिनी भी कई मशहूर अदाकारों के प्रपोजल ठकरा चुकी थी। वैसे तो दोनों ने नई जिंदगी के लिए तैयार थे मगर इस राह के दरमियान एक अहम मसला दरपेश था, वो था हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके तहत आप अपनी पहली बीवी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। यही वजह थी कि 1979 में धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया, लेकिन वो भी महज शादी के लिए। धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम भी धर्मेंद्र से दिलावर खान केवल कृष्ण रखा। दूसरी जानब हिमा मालिनी ने भी इस्लाम कबूल किया और अपना नाम ऐशा रखा। इस तरह दोनों की शादी 1980 में अंजाम पाई। अगरचे दोनों ने इस्लाम कबूल किया लेकिन प्रैक्टिकल वो मुसलमान नहीं है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि छोटा सा फैक्ट आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल ग्लोबल स्पीच को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।